सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज है 3 फरवरी और अभी फिलहाल देखो सुबह के 8 बजने वाले हैं। चलो शेरू बाहर चले। रुको रुको रुको, पट्टा फंस गया। रुको, वेट। हाँ, अभी निकल गया। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ शेरू। चल रहे हो निशु दादा को छोड़ने? चल रहे हो? लो गाड़ी निकाल लो निशु। रुको, बाहर नहीं जाना। नो, बाहर नहीं जाना। फिर अब तुम कहीं भी चले जाओगे पकड़ के लाना पड़ेगा, नहीं तो हमको फिर कहीं भी भग जाएगा, फिर मुझे जाना पड़ेगा पकड़ने के लिए। यहाँ फंसा देते भैया की बाइक में। हाँ, अब सही है। अब कहाँ जाओगे? नहीं, कहीं नहीं जाओगे। इस वाले में फंसाता हूँ, इस वाले में। यहाँ से निकलने के चांसेस भी कम है। तो चलो गई, जब तक अपन बाल्टी रख कर आ जाते हैं, जब तक गाड़ी निशु निकाल रहा है ना। तो ये कपड़े छत पर डालने के मम्मी ने धो के रखे, तो फटाफट से इसको रख देता हूँ, तो मम्मी छत पर डाल देगी फिर रस्सी पे। तो गाइस फाइनली आ चुके और बहुत जल्दी आ गए भाई। आज तो हम ट्रैफिक था ही नहीं बिल्कुल भी रोड पे, तो फटाफट से आ गए। तो चलो निशु को ड्रॉप कर दिया। चल ठीक है, बाय। तो चलो गाइस चलते हैं घर। और देखो 8.3 किलोमीटर चली है गाड़ी लगभग। अब यहाँ से वापस जाएंगे तो हो जाएगी 16-17 किलोमीटर के आसपास। तो आज तो टाइम पे आ गए गाइस, ज़्यादा लेट भी नहीं हुए और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आ गए, क्योंकि ट्रैफिक मिला ही नहीं ना आज। रोड पे बहुत कम ट्रैफिक था तो हम जब बहुत जल्दी आ गए। तो चलो यहाँ से यू टर्न लेते हैं और घर चलते हैं। वो जा रहा है निशु, देखा आप, वो चले गए अंदर। गाइस देखो, बंदर रोड पे, बंदर है गाइस। फिर देखो पता नहीं इधर कहाँ से आया, वो बैठा है वहाँ पे मस्त आराम से लंबी पूछ करके। पूरा जंगल एरिया है ना गाइस यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा मतलब गार्डन वार्डन है और पूरा जंगल एरिया है यहाँ पे। तो यहाँ से आया बंदर पीछे। तो गाइज मैं कह रहा था ना आपसे, आज ट्रैफिक नहीं है रोड पे, देखो कितना कम ट्रैफिक है। शेरू मैं आ गया। अरे इतनी खुशी हो रही है तेरे को? इतनी खुशी हो रही है? इतनी खुशी हो रही है तेरे को? इतनी खुशी, अभी तो गया था मैं 10-15 मिनट पहले। इतनी खुशी हो रही है शेरू तेरे को? देख कितनी जल्दी आ गया आज मैं। हाँ रुको रुको, यहाँ बैठो यहाँ बैठो यहाँ बैठो यहाँ बैठ जाओ अच्छे से। अरे आराम से बैठो भाई, बस। अरे कुछ नहीं है भाई, जेब के अंदर, जेब के अंदर देख रहा है, कुछ नहीं है भाई जेब के अंदर। यहाँ बैठ जाओ, चलो धूप में चले अपन। चलो रुको, आता हूँ मैं, रुक। ओए नाखून गड़ा दिया फिर से। ओ भाई, ओ शेरू ऐसे यार नहीं करते यार, नाखून लग जाएगा ना। नो क्या है, ऐसे क्यों कर रहे हो? हाँ क्या हो गया? ऑल राइट गाइज, जस्ट अभी विंडो को शट डाउन किया है, तो अभी फिलहाल एडिटिंग वगैरह कंप्लीट कर ली है। तो अभी गाइज मॉर्निंग के 11 बज रहे हैं, तो अभी फिलहाल मुझे जाना है मम्मी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले रहे लोक सेवा केंद्र पे। तो उससे पहले शेरू को खाना देते हैं फिर चलते हैं। देखो शेरू कितने आराम से सो रहा है यहाँ पे। शेरू देखो गाइज, शेरू कितने आराम से यहाँ लेटा हुआ है। शेरू चलो, खाना खाने का टाइम हो गया, चलो आ जाओ। चलो देखो, चलो बोलने में कैसे आ गया, आ जाओ चलो खाना खाएंगे। तो गाइस आज खाने में बना है मिक्स वेज, और यहाँ पे मिक्स वेज की सब्जी है, इसके अंदर रोटी है। तो चलो खाना वाना खाते हैं और साथ में शेरू को भी दे देते हैं। तो वो भी आ चुका है यहाँ पे, आराम से बैठा हुआ है, तो उसको भी खाना दे देते हैं। शेरू खाना खाओगे? भूख लग गई, भूख लग गई शेरू, अभी देता हूँ ठीक है। तो ऑल राइट गाइस, खाना वाना हो चुका है, अब हेलमेट उठाते हैं और चलते हैं मम्मी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने के लिए। तो गाइज आजकल ना मैंने ये वाला रास्ता चुन लिया है, तो ये वाला रास्ते से जल्दी पहुंच जाता हूँ मैं। यहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं मिलता ना कुछ भी, तो सीधा मेन रोड पे ही निकलता है ये रास्ता। तो यहाँ आजकल ना मैं यहाँ से आना जाना करता हूँ गाइज, बस ये थोड़ा सा ऑफ रोड वाला रास्ता है, तो ये वाली गाड़ी के लिए सूटेबल नहीं है, पर बाइक वगैरह में तो मज़ा आ जाएगी यहाँ पे। बट अपने पास बाइक है नहीं, पहले थी बट अब नहीं है, अब तो सिर्फ दोनों स्कूटी है, एक ये इलेक्ट्रिक है और एक पेट्रोल वाली है, तो दोनों हीरो की है। तो गाइज चलो बिल्कुल अपने को सामने ही जाना है बिल्कुल सीधा सीधा, और वहाँ से अपन लेकर आ जाएंगे अपना डॉक्यूमेंट। तो फाइनली पहुँच चुके हैं गाइस लोक सेवा केंद्र में, और अपने राइट में ही है लोक सेवा केंद्र। तो फटाफट से गाड़ी लगाते हैं। एंड आज छुट्टी वुट्टी है क्या? ओ भाई बंद है क्या आज ऑफिस? कोई भी नहीं दिख रहा, मतलब भाई अच्छी खासी भीड़ रहती है यहाँ पे, तो और देखो आज कोई भी नहीं है। तो गाइस फाइनली मिल चुका है डॉक्यूमेंट, तो इसको संभाल के रख लेते हैं गाड़ी की डिग्गी में, एंड ना इसका लेमिनेशन करवा लेंगे तो सही हो जाएगा, तो फिर ना ये ख़राब भी नहीं होगा। तो फाइनली गाइज आज काम हो गया, काफ़ी दिन से आना जाना लगा था मेरा यहाँ पे और काम हो ही नहीं रहा था, तो उन्होंने आज की डेट दी थी, तो मैं आज सुबह सुबह आ गया जल्दी से। तो चलो फाइनली काम हो गया, चलते हैं घर, और सबसे पहले चलते इसको लेमिनेट करवा लेते फिर चलेंगे घर। सो
सो गाइस फिलहाल मैं निकल चुका हूँ निशु को लेने के लिए। तो अभी फिलहाल मैं निशु को लेने जा रहा हूँ, करीब 3 बजने वाले गाइस। तो निशु के स्कूल की छुट्टी 3:10 पे होगी, तो जब तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगा। और आज ना गाइस मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ, तो जेके हॉस्पिटल से जाती है गाइस ये वाली रोड, तो इस वाले रोड से जाएंगे। तो इस वाले रोड पर ना क्या है गाइस, ट्रैफिक कम मिलता है इस टाइम पे, तो पूरी रोड खाली रहती है मतलब मोस्टली। तो यहाँ से चलेंगे, बट ये है कि ये वाला रास्ता जो है 1 किलोमीटर लंबा पड़ता है लगभग। बट कोई नहीं, ये तो बहुत सही चीज़ हो रही है, यहाँ पे रोड बन रही है, तो उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है भाई, बढ़िया है भाई। पाइपलाइन वगैरह भी डाल दी, खंभे वो भी लगा दिए शायद नए वाले, मुझे याद नहीं खंभे पहले लगे थे कि नहीं लगे थे लाइट वाले, बट हाँ जो भी है सही कर दिया भाई। अच्छा है, रोड बन जाएगी ना तो बहुत सही हो जाएगा हम लोग को आने जाने में। और अभी फिलहाल ना गाइस ये वाली जो ब्रिज है ना, ये भी अभी नया नया बना है, पहले नहीं था गाइस ये वाला ब्रिज, तो ये वाला ब्रिज भी अभी न्यू बना है, तो बहुत सही हो गया ये वाला। पहले ना वो सामने जो रोड दिख रही है ना गाइस, तो वो वाली रोड से आना पड़ता, और वो वाली रोड आती गाइस रोहित नगर साइड से, तो बहुत ज़्यादा लंबा घूम के आना पड़ता। बट ये ब्रिज के कारण से ना ये दोनों रोड कनेक्ट हो गई है, तो अब रोहित नगर से ना आते हुए बिल्कुल हम ये वाले पीछे वाले जेके हॉस्पिटल वाले रोड से आ सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता अभी तो फिलहाल, क्योंकि कोलार रोड से सब आना जाना करते हैं ना गाइस अभी, और जैसे ही कोलार रोड पर काम चालू हो जाएगा ना, तो भाई फिर ये वाला रूट प्रेफर करेंगे लोग सबसे ज़्यादा। तो गाइस फाइनली सिग्नल भी खुला है भाई यहाँ पे, ये चीज़ अच्छी भाई, सिग्नल खुला है यहाँ पे, तो भाई मुझे रुकना नहीं पड़ेगा, फटाफट से क्रॉस करते सिग्नल को। अभी फिलहाल मैं शाहपुरा लेके आ गया हूँ, और गाड़ी देखो लगभग 6 किलोमीटर चल गई है, और अगर मैं कोलार रोड से आता ना गाइस, तो ये मैं 4.5 किलोमीटर में लगभग इसको कंप्लीट कर लेता, कवर कर लेता। तो वही है ये वाला रोड जो है ना 1 किलोमीटर लंबा पड़ता है जेके हॉस्पिटल वाला, बट ये है कि वहाँ पे ना ट्रैफिक नहीं मिलता, और जल्दी जल्दी अपन कवर कर लेते डिस्टेंस को, तो वो कंपनसेट हो जाता है गाइस। ये इतना सा पैच बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ काम करने के लिए खोदा था बट उसको रिपेयर ही नहीं किया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जल्दी आ गया हूँ? हाँ शायद मैं जल्दी आ गया हूँ ना, अभी छोटे बच्चों की छुट्टी हुई है केवल। सो फाइनली गाइस निशु भी आ चुका है, तो चलो मैं गाड़ी निकाल लेता हूँ, पहले यहाँ से साइड कर लेता हूँ। निशु इधर से आ जा, क्या कह रहा है निशु इधर से आ जा, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी नहीं लगा पाऊँगा ना मैं। चले आज जल्दी आ गया, अब मैं भी जल्दी आ गया, निशु भी जल्दी आ गया, चलो बढ़िया हो गया। शेरू मैं आ गया, देख तेरे लिए क्या लेकर आया, देख अबे गया। फाइनली कहीं जा चुके हैं घर, अब इसको देखो, इसकी मत देखो। शेरू, ए शेरू, छत पे क्या कर रहा है अकेला, चल नीचे आ, चलो अंदर चलो। पता नहीं छत पे क्या कर रहे थे, अकेले क्या कर रहे थे छत पे, डर नहीं लगता अंधेरे में, डर नहीं लगता? तो कहीं आज खाने में बना बेसन और रोटी है और चावल है, तो बेसन के साथ रोटी खाएंगे भाई, बहुत सही लगती है, तो मम्मी ने बनाया भाई बेसन, चलो खाते हैं। और शेरू को देखो कैसे जाके बैठ गया वहाँ पे आराम से, उसको लग रहा है कि उसको खाना मिल रहा है। शेरू तुमको खाना नहीं मिलेगा, अभी टाइम पे मिलेगा, अभी टाइम नहीं हुआ तुम्हारा। तो गाइस मैं तो इस वाली प्लेट में खाऊंगा, ये वाली प्लेट अच्छी लगती है ना देखने में, देखो ये वाली प्लेट ना हमारे लिमिटेड है, बाकी सब स्टील की है, तो ये वाली लिमिटेड है, तो इसमें मैं और निशी खाते हैं। तो गाइस खाना पीना हो चुका है, और ना गाइस यार दोपहर में वीडियो रिकॉर्ड करना है, मैं भूल गया डॉक्यूमेंट लेने गया था ना, तो जब लोक सेवा केंद्र से डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर मैं घर पे आया ना गाइस, तो उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड करना ही भूल गया, तो कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना गाइस। तो चलो इस वाले ब्लॉग में तय रखते हैं गाइस, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलते हैं किसी एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।